विकास भाई वीडियो स्टार्ट है। करे विकास भाई, करे शुरू करे भाई। आज बड़े सैड है हम, ऐसे समझ लें। आज ज़्यादा एनर्जी नहीं है, हमें एनर्जी बिल्कुल लो है, क्योंकि हिसाब हुआ है महीने का तो काफ़ी पीछे जा रहे हैं। तो चलो आज अर्निंग के हवाले से बात करते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पहले अर्निंग के हवाले से बात करेंगे, फिर आते हैं खाने पर। आज चाय खाना ठंडा हो जाए, ये गर्म है अभी क्योंकि इसके धुएँ निकल रहे हैं अभी भी, तो खाना ठंडा हो जाए। लेकिन आज हम बात पूरी करेंगे अपनी अर्निंग के हवाले से। बड़े लोग पूछते हैं कि वकास भाई अर्निंग क्या हो रही है, आप लोग वो लोग समझ रहे हैं कि हमने बंगला ले लिया है, आप लाहौर में चिल करने आए हुए हैं ये वो। तो आपको बता दूं, एक स्क्रीनशॉट मैं यहां पर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वकास खलील चैनल की। तो यहाँ पर 11 से 12 लाख व्यूज़ हो चुके हैं हमारे एक महीने में, मतलब 11 से 12 लाख व्यूज़ हो चुके हैं। और इस पर अर्निंग जो आ रही है वो है $340। $340 आप ख़ुद समझ लें कि कितने व्यूज़ पर, 11 लाख 12 लाख व्यूज़ पर हमें कितना उस है भाई, 340 अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो कोई 60,000 के करीब बनता है। और ये 60,000 हमारी बैंक तक आते आते और बैंक से घर तक आते आते ये 60 का 50 हो जाता है, फीसें बहुत ज़्यादा कटती हैं। अच्छा, ये 12 लाख व्यूज़ भी लाहौर में आए हैं तो इतना बूस्ट हुए हैं, वरना बहुत ही कम व्यूज़ होते हैं। तो लास्ट मंथ तो हमारे कोई $200 जनरेट हुए हैं, इस बार कोई $340 जनरेट हुए हैं, वो भी अब हमने हिसाब लगाया तो ख़र्चा जो है ना वो 2 लाख से ऊपर हो चुका है। अब लाहौर तक आने का सारा कुछ, खाने के अलावा भी और भी ज़्यादा खर्च होते हैं इस वीडियो के, बहुत ज़्यादा होते हैं। जो क्रिएटर है ना वो समझते होंगे इस बात को। तो इस चीज को देखते हुए हमने कहा कि उसे भाई प्यारे वाली पुल पर कटोरा लेकर बैठने से अच्छा है अपने फैंस से सब्सक्राइबर के सामने कटोरा लेकर बैठें। क्या है, प्यारे वाली पुल वाले जानते नहीं होंगे, आप लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ डाल कर जाएंगे। तो इस मुश्किल को देखते हुए जो कि अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, हमारे खर्च ऊपर जा रहे हैं, अगर वीडियो मतलब लो क्वालिटी की बनाते हैं उस पर व्यूज़ ही नहीं आते, कुछ भी नहीं आते, और लोगों को भी मज़ा नहीं आता और आप लोगों को भी मज़ा नहीं आता इस तो इसका एक हमने हल निकाला है, वो है पैट्रियन का। पैट्रियन पर ये होता है कि जो फैंस होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वो वहाँ पर जाकर अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं, $5 की, $10 की, $15 की, $25 की और $50 की, जो भी जितना हो सके आप लोग अपना हदिया दे सकते हैं, हदिया दे सकते हैं। और उस सब्सक्रिप्शन से आपको भी कुछ हमने बेनिफिट दिया हुआ है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। बेनिफिट ज़रूर चेकआउट करना है क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट भी हमने दिए हुए हैं, ये नहीं कि सिर्फ भीख मांग रहे हैं, भीख तो मांग रहे हैं, बेनिफिट भी दे रहे हैं, वो भी आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमने कोई 5 उसे भाई वो टेयर बनाए हैं ऐसे ना, एक का नाम है अपना टोस्टर, दूसरे का नाम रोस्टर, तीसरे का नाम बरोस्टर और चौथे का नाम है अपना वहशी सपोर्टर, और फिर 5वें का है XXL वहशी सपोर्टर, वो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। चेकआउट आपने खुद करना है, आगे हम डिटेल नहीं दे रहे, आप लिंक पर जाएं, चेक लंबी डिटेल है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो लाजिम सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए, ऐसे समझे हम आपके लिए अभी एक क्या दहाने पर ठहरे हुए, अगर यहाँ से यहाँ गए तो खत्म, पीछे हट गए तो फिर भी खत्म। कभी दिल करता है कि बंद कर दें, फिर दिल करता है, इतना ज़्यादा मेहनत की है और फेम तो माशाल्लाह अच्छा मिला है, फेम अच्छा मिला है लेकिन साथ में मनी नहीं मिल रहा। क्योंकि वो वकास भी अगर आपको पैशन हो ना, पैशन से कुछ आए तो मज़ा आता है, अगर पैशन ऐसे लगा हुआ अब लगातार कोई 6ठा महीना है हम ऐसे ही जा रहे हैं, तो अब आप लोगों की हेल्प बनती है, अब आप लोगों का सपोर्ट बनता है कि आप हमने 6 महीने अगर कुछ भी आप लोगों को इंटरटेन किया है उस लिहाज से आप लोग हमें सपोर्ट करें। तो चलिए आज का मुकम्मल करते हैं शुरू। हमने आज ली हुई है बलोची सिज्जी, चूँकि फास्ट फूड खा खा कर ज़रा जायका
चेंज हो गया था, तो हमने कहा थोड़ा जायका देसी की तरफ ले जाएं। तो बलोची सज्जी है हमारे पास, ये फुल चिकन मेरे पास रखा हुआ है और दूसरा फुल चिकन उसैब भाई के पास रखा हुआ है, और रायते का एक बाउल मेरे पास है और उसैब भाई के पास भी रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी इंतजार के, लिंक लाजिम चेक कर लीजिएगा, जाकर सपोर्ट कीजिएगा लाजिम। तो चले आज भीख वगैरह कुछ ज्यादा नहीं हो गई, अब बना लिया है अकाउंट तो भीख तो मांगेगा। चेकआउट आपने करना, अगर आप नहीं भी देने वाले ना चेकआउट कर ले, बेनिफिट वगैरह चेक कर ले। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसैब भाई पहले ऐसे लेते हैं बगैर रायते के। नहीं वो गाज भी आज वाकई आप साइड है, आपने लेग को हाथ ही नहीं लगाया, मैं तो लेग पर जाऊंगा। लेग हाँ उसैब भाई, क्योंकि हिसाब हुआ है तो सारे पुर्जे हिल गए हैं। देखें भाई, तो भैया ये लेग है, पहले ऐसे खाएं उसैब? नहीं वो गाज भी ऐसे नहीं, चावल किस लिए उन लोगों ने बेचारों ने दिए, मैं तो चावलों के साथ खाऊंगा भाई। सभी कैसे? कमाल लगा भी। अच्छा ये जो चावल है ना, वो थोड़ी थोड़ी उसे भाई उसकी याद दिलाते हैं मंदी वाले चावलों की। हाँ हाँ, अभी मंदी की याद दिला रहे हैं और मुझे थोड़े चावल कुछ ज़्यादा ही नमकीन लग रहा है, आपको फील हो रहा है? टेस्ट अच्छा आ रहा है लेकिन नमक थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा। उसे भाई असल में मसाला नहीं डाला है ना उन्होंने, इसलिए शायद नमक को ज़्यादा कर दिया, लेकिन टेस्ट अच्छा आ रहा है। ये जो रहता है इनका वो बिल्कुल पानी है। अच्छा मैंने बताया नहीं कहाँ से हमने ये लिया है खर्चे के गम में। ये हमने भाई साबिर सज्जी हाउस से लिया है, फूड पांडा पर अच्छे रिव्यूज थे इसके, तो वहीं से लिया। अच्छा वकास भी मैंने ये डाल दिया, इसके साथ भी चेकआउट करते हैं कैसा है। रहता है इनका भाई फीका ए अपना पानी है सारा। है पानी लेकिन लग अच्छा रहा है मुझे, उसे भी खटाई भी है इसके साथ। हाँ खटाई रखी हुई है, ये है भी। थोड़ा खटाई डाल कर देखें, जायका चेंज होगा और थोड़ा स्पाइस भी बढ़ेगा। लेकिन आपके साथ डालूँ या ना? हाँ भी डालते जा। आज वाकई उसका भी एनर्जी बहुत ही लो है, बहुत ज़्यादा लो है एनर्जी। तो इसके लिए माजरत भाई। थोड़े अंदर से हिले हुए हैं। भाई रायते को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं, ये पानी को डाल तो रहा हूँ लेकिन उनका भी काम चला रहा है, काम चला रहा है, मज़ा नहीं आ रहा वो वाला जो होना चाहिए सज्जी में। अच्छा इनको पैसे बचाने की जगह काफी यही लग दिया है मसाला, जिसके साथ मजा आता है चावलों में खासकर। ये भाई रखा,
ये लिया और ये इसके ऊपर। जायका अच्छा है उस अभी सज्जी का। काबिली सब्जी है सख्त, जैसे टेंडर होना चाहिए ना उसको, वैसी नहीं है, लेकिन टेस्ट मुझे अच्छा आ रहा है। चाहे थोड़ी खटाई दें ये। अब मसाले का ना डालने वाले हैं क्या? ये मैं इधर डाल कर रखता हूँ, फिर साथ में डिप करता रहूँगा। मैं सोच रहा हूँ ज्यादा चली खटाई ज्यादा लग गई है। क्या हो साहब भाई, आप क्या सोच रहे हैं? इसका मतलब है डिप नहीं करना चाहिए कभी। नहीं, फिर से कर लिया मैंने, अब चावलों के साथ खाया। मैं सोच रहा था वो कभी इसके अंदर मसाले के अंदर डालता है, क्योंकि मसाला बहुत ठीक है। ऐसे ना फील हो रहा है आपको? ये पानी है आपका, अभी चमचे के साथ ही आता भी नहीं है। अच्छा, अब इसकी बात है रहते की? हाँ, ये रहता तो नहीं है आपका, अभी ये ये फील नहीं होता कि रहता है। ये देख रहे हो भाई, ये थोड़ा खटाई में डिप कर देते हैं, फिर इसे खा लेते हैं। मजा। आयु साहब भाई, चुप चुप वाली वीडियो बन रहे हैं, फुल चुप चुप बैठे हुए। मुझे लगता है हमें बस कर लेनी चाहिए साहब भाई, मुझे सही नहीं लग रही है वीडियो। नहीं जाएगी तो सही, फैंस भी देखें क्या हालात है। आप एक फैमिली हो और फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहिए ऐसी बातें। हाँ ये है, देखो भाई जब तक होता रहा हम करते रहे, ऐसे ना साहब भाई। अब सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। हमारी वीडियो हर 3 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद आती है, ऐसे ना होगा? हर दूसरे दिन साहब भाई, हर दूसरे दिन। और हम एक वीडियो पर तकरीबन 5 से 6 हज़ार लगाते हैं अभी, अब महीने का हिसाब आप लगा लें। ये तो सिर्फ उस खान पर हाँ। हाँ। और ज्यादा मसले होते हैं। अब इस टाइम अपने भी अपना बैकग्राउंड अपग्रेड करना है, हाँ। लाइटें लेनी है, लेंस लेना है, बहुत से काम है भाई, बहुत ज्यादा काम है, और कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब घर वाले निकालेंगे, जाओ भाई किसी का दर ताड़ो। ये कहाँ कौन से काम लग गए होगा भी, अब ऐसे ही होगा भाई। अच्छा वकाल भाई, ये पूरी वीडियो पीक में ही जा रही है। फील हो रहा है आपको बहुत ज्यादा? तो भाई माजरात है इसके लिए भी, दिल से माजरात है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो बहुत बहुत माजरात, लेकिन हम दिल की बात कर रहे हैं, ये आपसे शेयर करनी लाजमी बनती थी।
फैमिली के साथ उसे शेयर नहीं करेंगे तो और किसके साथ करें। वरना दूसरा तो हमारे पास तरीका है, पर अगर आपसे सपोर्ट नहीं मिली तो दूसरा तरीका तो है पड़ा। वो ऑप्शन घर वालों ने पहले से खोल रखा है। उसे भाई वीडियो जैसे ना उम्मीदी वाली बन रही है हमारी, सिज्जी में मजा आ रहा है। सिज्जी में वाकई में सिज्जी के बारे में हमने इतनी बात ही नहीं की है काफी। टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है, वही थोड़ा सा नमक ज्यादा है चावलों में और ऊपर से ये जो रहता ना ये थोड़ा बवासीर बना हुआ है। उसे मेरी तो चिकन ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी है। मेरी भी ऐसे ही फील हो रहा है, मुझे ऑलमोस्ट मेरी भोगने वाली है, पेट भी फुल हो चुका है। तभी ये रखे हुए हैं सुबह से आगे, ये लीमू है, लेमन, नींबू, सब कुछ डाला ही नहीं हमने। गम में है मुझे लग रहा है, फुल गम में है। अच्छा जी ये लेमन हम भूल गए थे और इधर थोड़ा सा उगा दिया, चावलों को आगे कर लेते हैं। हाँ ये ले, सभी चावलों के ऊपर डालते हैं। मैं तो कहता हूँ मैं चावलों के ऊपर उगा दिया। अच्छा, मुझे बड़े अच्छा लगता है, खुद ब खुद सब्जी पर लग जाएंगे। ये डाल दिए हैं ले भाई। अब ये ज़रा चूरन के साथ मिक्स, वो काफी स्वाद तो आया है उसमें। वाकई है वो काफी कमाल का। ये टेस्ट ना वो काफी थोड़ा थोड़ा ऐसे दे रहा जैसे वो सऊदीया में मतहम रोज बुखारी होती नहीं थी। टेस्ट वैसा दे रहा। आज की वीडियो में कुछ भी मज़ा नहीं आया काबिल, खाने में बहुत मज़ा आया लेकिन वैसे भरने में मज़ा नहीं आया। वो जो एनर्जी होती है वो लो है हमारी। हाँ फुल लो है, क्या मसला होगा। पैसे का मसला है बाबू भैया, पैसे का चक्कर बाबू भैया, पैसे का चक्कर। तो जी खा लिए वैसे ऑलमोस्ट सारी खा लिए, गम में हूँ लेकिन खाना नहीं छोड़ा है ये ना समझे। नहीं नहीं बकाल भी, वो एक साइंसदानों का वो है कि जब आप गम में हो ना और खाना आपको और ज्यादा अच्छा लगता है। मुकबैंगर तो और ज्यादा खाएंगे। वो तो आम बंदा खाता है। तो वैसे मज़े की बनी हुई है सज्जी लेकिन हाँ इनर्जी लो है, खाना हमने अच्छा खाया है, इनर्जी थोड़ी लो है हमारी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों को मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।